तो हेलो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था यहाँ पे किसी ने मेन कैरेक्टर पे अटैक कर दिया था। और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर था वो यहाँ पे किलर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था और यहाँ पे उसकी अच्छे से धुलाई कर दी थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो मेन कैरेक्टर किलर को पकड़ कर यहाँ पे बिल्डिंग की एज पे ले जाता है और कहता है कि किसने यहाँ पे मुझे मारने का तुमको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो ओके, मैंने यहाँ पे जैसा सोचा था तुम यहाँ पे किंग ऑफ किलर्स हो, और मैंने नहीं सोचा तुम इतने ज़्यादा डिफरेंट लगोगे। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तुम्हारी पुरानी बातों में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तुमको यहाँ पे 10 सेकंड देता हूँ, मुझे फटाफट से उसका नाम बताओ और अपने फटाफट से मुंह खोलो। तो वो सुन के किलर कहता है कि हाँ ठीक है, आप इतनी ज़्यादा जल्दी में क्यों है, मैं आपको नाम बताऊँ। जिसने यहाँ पे मुझे मारने का आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया उसका नाम है, और चाकू निकाल पे मैन गेट पे अटैक करता है और कहता है भाड़ में जाओ, मैं तुमको यहाँ पे कुछ भी नहीं बताने वाला। तो मैन गेट उसको यहाँ पे बिल्डिंग की एज से छोड़ देता है और यहाँ पे उसको नीचे फेंक देता है। और यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हारे लोगों के पीछे अपना टाइम नहीं बर्बाद करूंगा, तुम यहाँ पे जाके मरो। कहता है कि मैं यहाँ पे अपने आप से ढूंढूंगा किसने यहाँ पे मेरे मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। और यहाँ पे बंदा वो नीचे गिरने लगता है और यहाँ पे कुछ गाड़ी आ रही होती है, और यहाँ पे जो किलर था वो गाड़ी से टकरा जाता है और यहाँ पे उसमें से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और अंदर फायर करने लगता। तब तक तो मैन कैरेक्टर वहां से चला गया था। फिर यहाँ पे जो किलर लड़की होती है वो कहती है तुम फटाफट से ऊपर जाओ और उसको ढूंढो, यहाँ से उसको जाने मत देना। तो बाकी के जो लोग होते हैं कहते हैं कि ठीक है हम फटाफट से जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो लड़की होती है दूसरे किलर से पूछती है जो यहाँ पे इंजर्ड हो चुका है वो, क्या कहती है तुम्हारी इंजरी यहाँ पे ठीक तो है ना, इतनी ज़्यादा सीरियस तो नहीं है ना। तो कहते हैं कि नहीं, मेरी यहाँ पे 3-4 हड्डियाँ टूट गई है, पर यहाँ पे कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जो दूसरे बंदे होते हैं ऊपर जाके कहते हैं कि जो बंदा था वो वहाँ से चला गया। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि आज हम हमारे हाथों से बच गया, हम इसको यहाँ पे जाने नहीं देना चाहिए। और यहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हमको भी यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पुलिस रास्ते में ही होगी और यहाँ पे पहुंचती होगी। और यहाँ पे जो बंदा इंजर्ड हुआ होता है वो कहता है कि जो टारगेट है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरावना है। और यहाँ पे जो लड़की होती है कहती है तुमको यहाँ पे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पे वापस जाके बॉस को एक्सप्लेन कर दूंगी। और यहाँ पे लोग बैठ के गाड़ी के लिए निकल जाते हैं। तो जो मेन कैरेक्टर होता है गाड़ी के नीचे छुपा हुआ होता है। और यहाँ पे दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे कोई कहता है कि बॉस हम यहाँ पे वापस आ चुके हैं। और यहाँ पे अंदर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जो इनका बॉस होता है उन पर चिल्ला रहा था और कहता है मैंने तुम्हारे पीछे इतने सारे पैसे खर्च किए पर यहाँ पे तुम उसको कुछ भी नहीं कर पाए, तुम ऐसे ही वापस आ गए, तुमने यहाँ पे उसको यहाँ पे तुमने चोट भी नहीं पहुँचाई, मैंने तुम्हारे पीछे इतने सारे पैसे खर्च किए उसका मैं क्या करूँ। और यहाँ पे उन लोगों को चिल्ला रहा होता है। तो जो बंदा होता है मैन कैरेक्टर से मार खाई होती है वो बोलता है कि बॉस मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में आ गया था और यहाँ पे मैंने सोचा मैं इसको यहाँ पे अकेले में मार दूंगा, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग निकल गया और यहाँ पे मैंने इसको अकेले नहीं मार पाया। और यहाँ पे वो कहता है कि बॉस मुझे यहाँ पे और एक चांस दे दीजिए, मैं उसको अपने हाथों से मारूंगा और उसका सर काट के आपके पैरों में रख दूंगा। तो जो उनका बॉस होता है वो कहता है कि ठीक है मैं तुमको 3 दिन देता हूँ, उसको जाओ और फटाफट से मार के खत्म करो। और यहाँ पे जो मेरी क्रूज शिप है उसमें यहाँ पे पार्टी होने वाली है तो तुम सारे लोग भी यहाँ पे पहुंच जाना, और यहाँ पे तुम भूलना मत कि तुमको यहाँ पे उसको मारना है। फिर वो लोग कहते हैं कि ठीक है। तो यहाँ पे जो मीटिंग होती है वो खत्म हो जाती है और एक बंदा बोलता है कि मेरे दिमाग में तो कोई आइडिया ही नहीं आ रहा कि इसको यहाँ पे कैसे मारा जाए, इस बार का प्लान मिस हुआ था, यहाँ पे बॉस छोड़ने वाले है नहीं। तो यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती है कि उसके आसपास जो लड़की घूमती है उससे यहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए और यहाँ पे उसको पहले मारना चाहिए। और जो मेन कैरेक्टर होता है झाड़ियों में छुप के सब कुछ देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कैरिन विल्सम है जो 7 साल पहले न्यूयॉर्क में रेस हुई थी उसमें यहाँ पे बहुत सारे पैसे भी हार चुका था और यहाँ पे उसको 3 उंगलियां भी काटनी पड़ेगी। और अपने मन में कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद भी वो अपना रिवेंज लेना चाहते हैं। और अपने मन में कहता है कि देखते अभी क्या होगा। और फिर यहाँ पे दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जीजी कुछ पढ़ रही होती है और यहाँ पे उसको किसी का फोन आता है और यहाँ पे वो कहती है कि तुमको मुझसे क्या चाहिए और यहाँ पे तुमने इतनी रात को फोन क्यों किया। तो यहाँ पे पता चलता है यहाँ पे मेन कैरेक्टर ने फोन किया था। और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर वो कहता है बेबी तुम यहाँ पे मेरे साथ क्रूज पे आना चाहोगी, और यहाँ पे वो सुन के तो बहुत ज्यादा खुश लगने लगती है और कहती है कि क्रूज। फिर यहाँ पे डायरेक्ट नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे मेन कैरेक्टर जो जीजी होती है क्रूज पे होते हैं कि होटल का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पे जो जीजी होती है वो बालकनी में आके कहती है ये जगह तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और यहाँ पे उसकी फोटो खींचते हुए कहती है कि तुमको यहाँ पे इस जगह के बारे में कैसा पता चला, ये तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो मेन कैरेक्टर रिप्लाई देते हुए कहता है ये जगह तो कुछ भी नहीं है, वर्ल्ड में इससे भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है। और यहाँ पे उसकी कमर पकड़ते हुए कहता है, और मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम यहाँ पे जब तक मुझे लाइक करोगी मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग ही चलूंगा और यहाँ पे मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और यहाँ पे तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पे उसको किस कर देते हैं और यहाँ पे जो जीजी होती है उसको रोक देती है और कहती है कि मैं पहले नहा के आती उसके बाद हम दोनों बीच पर जाएंगे घूमने के लिए। तो मेन कैरेक्टर कहते हैं कि ठीक है। तो मेन कैरेक्टर कहते हैं कि मुझे यहाँ पे थोड़ी भूख लगी,
क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ? तो वो सुन के जीजी रिप्लाई करती कि नहीं, मेरे लिए कुछ लाने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ पे अपने आप से रेस्टोरेंट चले जाओ। पर वो नहाने के लिए चली जाती। पर यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर उसके बाथरूम के बाहर खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे जिद्दी लोग यहाँ पे दुनिया में ऐसे कैसे। तो यहाँ पे जो जीजी कहती है, तुम यहाँ पे क्या पक रहे हो, तुम फटाफट से खाना खाने के लिए जाओ। फिर यहाँ पे डायरेक्ट रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जो मैन कैरेक्टर वो खाना खा रहा होता है और यहाँ पे फोन पे बात कर रहा होता है और कहता है कि यहाँ पे घर पे कैसा सब कुछ चल रहा है। तो जो उसका बॉडी गार्ड होता है वो कहता है कि मिस्टर सू, आपने जैसा बोला था मैंने यहाँ पे वैसा किया और यहाँ पे मैंने उसको लॉक कर दिया है और आप जैसा बोलोगे मैं ऐसे आगे करने वाला हूँ। और यहाँ पे बिल्डिंग का बाहर का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे दो लोग बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे किसी को भी नहीं पता चला कि हमने यहाँ पे क्या किया। और यहाँ पे जो जैसा प्लान किया था मिस्टर सू ने, यहाँ पे प्लान ऐसा ही चल रहा है। और यहाँ पे एक दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो मिस्टर सू की तरह दिख रहा होता है और यहाँ पे वो गेम खेल रहा होता है और कहता है कि अच्छा अच्छा अच्छे से गेम खेलो। और अपना मैन कैरेक्टर कहता है मैंने यहाँ पे जैसा सोचा वैसा ही हो रहा है और यहाँ पे जो किलर है उसको फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने जो किलर के लिए ट्रैप बना के रखा है उसमें यहाँ पे फंसने वाले हैं। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर अपने मन में कहता है मेरी इन्फॉर्मेशन सही है तो जिसने मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो यहाँ पे शिप में होगा और आज मैं उसको देखने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है एक्सक्यूज मी, और वो कहती है कि यहाँ पे कोई सीट खाली नहीं, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? और यहाँ पे आसपास के जितने भी लड़के खाना खा रहे होते उस पर देख रहे थे और कहते हैं कि ये लड़की कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि हाँ कितनी ज्यादा क्यूट है और यहाँ पे उसकी बॉडी कितनी ज्यादा नाइस है और उसने यहाँ पे परफ्यूम कितना अच्छे से लगाया। और यहाँ पे जो उसकी बंदी होती है वो कहती है तुम उसकी तरफ क्या देख रहे हो, तुम फटाफट से खाना खाना स्टार्ट करो। और यहाँ पे जो मैन क्रेट के सामने बैठी होती है यानरू, वो अपने मन में कहती है कि यहाँ पे मैं इसके सामने बैठी हूँ पर यहाँ पे मेरा सामने भी नहीं देख रहा, यहाँ पे बहुत ज्यादा शर्मा रहा है मेरे से। और अपने मन में कहती है कि चलो छोड़ो, मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि मेरे साथ बात करना नहीं चाहता, पर अपने मन में तो उसके बहुत ज्यादा लड्डू फूट रहे हैं, यहाँ पे मेरे साथ बात करना चाहता है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मुझे थोड़ी भूख लगी तो चलो मैं खाना खाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैन कैरेक्टर होता है सब सलोंडो की तरह वहाँ पे खाना खा के वह जाने लगता है और यहाँ पे वो देख के लड़की पूरी की पूरी ब्लैंक हो जाती है और यहाँ पे अपने मन में कहती है इसने यहाँ पे मुझे इग्नोर कैसे कर दिया, उसने तो यहाँ पे मेरी तरफ एक भी तरफ नहीं देखा। और मैन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है और कहता है इस लड़की को क्या मुझे ऐसे घूरे क्यों जा रही, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो सूप है उसने क्लोथ पे गिरा दी है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर के आजू बाजू लोग होते हैं वो यहाँ पे चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम फटाफट से आओ यहाँ पे सनसन देखो यहाँ पे कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। फिर दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही किया, यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे कोई कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे किसी लोगों को आने का ड्रीम होता है पर यहाँ पे बहुत ज्यादा रिच लोग ही आ सकते हैं। और यहाँ पे वो कहता है तो सनसेट कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो उसके बाजू वाला कहता है कि हाँ तुम फटाफट से इसकी फोटो खींचो और यहाँ पे कोई बोट आ रही होती है। और अपना मैन कहता है कि फाइनली वो यहाँ पे आ गया। तो यारो जो हमारा चैप्टर है यहीं पे खत्म होता है।